मैथमेटिक्स क्लास 9 की जो कार्यपत्रक है त्रिभुज, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर AAS प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। 12/9/2023 आज की डेट है, चलिए देखते हैं AAS प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो AAS प्रॉपर्टी सिमिलर है ASA के, बट यहाँ पर थोड़ा सा लिटरल डिफरेंस है। ASA में जो एंगल सिमिलर होते थे उनके बीच की जो लाइन होती थी वो हमेशा सिमिलर होती थी, बट यहाँ पर क्या है ना, आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर एक एंगल दो एंगल सिमिलर होंगे और उसके अपोजिट जो है लाइन सिमिलर होगी। जैसे आप देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखोगे एंगल बी एंगल ई जो है सिमिलर है, एंगल एफ एंगल सी सिमिलर है, पर ये जो एंगल बी है ना इसके इधर की ये जो साइड है ना, इधर की जो ये साइड है ये आपस में सिमिलर होंगी और इस प्रॉपर्टी को AAS प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल आपको जो है ART बनाना है और ट्रायंगल PEN बनाना है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल R के सामने एंगल E जो है बराबर है, लाइन AR के सामने जो है ठीक है PE बराबर है, और लाइन T के सामने लाइन एंगल N जो है बराबर है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो इसी में आप लोग अगर आगे देखोगे है ना, तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि आपको दो एंगल इनके कॉन्ग्रेंस बताना है ये कैसे है। तो आप देखोगे एंगल ई जो है ये एंगल आर के बराबर है, एंगल एफ जो है वो एंगल टी के बराबर है, और लाइन आपकी जो आपकी ई डी है ये किसके बराबर है, आर एस के बराबर है, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे AAS प्रॉपर्टी से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।